सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी M20s और सैमसंग गैलेक्सी M30s के बारे में। तो सैमसंग यहाँ पर टीजर जो है वो डालना स्टार्ट कर चुका है और सैमसंग ने कल ही अपना एक नया टीजर यहाँ पर डाला है, जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे वाला को 6000 मिली एम्पीयर की बैटरी दिखाया जा रहा है और नीचे लिखा हुआ है गो मॉन्स्टर, यानी कि ये जो स्मार्टफोन होगा वो बैटरी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त होगा। जिनको बैटरी वाले स्मार्टफोन पसंद आते हैं उनके लिए तो काफ़ी सही है स्मार्टफोन होने वाला है। तो यहाँ पर सैमसंग ने टीजर डालना स्टार्ट कर दिया है और वही डेट में आएगा जो डेट में आप लोगों को देखा मिला था सैमसंग गैलेक्सी M40। तो ये स्मार्टफोन बताया जा रहा है कि आपको लगभग मिड सितंबर में देखने को मिलेगा और 15 तारीख के आसपास आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सैमसंग शायद दो स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकता है, एक है सैमसंग गैलेक्सी M20s और सैमसंग गैलेक्सी M30s। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh की बैटरी यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ सैमसंग गैलेक्सी M30s में आपको कुछ एडिशनल चीज़ें देखने को मिलेगी। जिस तरह आपको सैमसंग गैलेक्सी M30s में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जो आपको सैमसंग गैलेक्सी M20s में देखने को नहीं मिलेगा मिलने वाला। तो सैमसंग गैलेक्सी M20s में आपको TFT डिस्प्ले मिलेगा, ना कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और सैमसंग गैलेक्सी M20s में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा भी नहीं मिलने वाला है। 6000 mAh की बैटरी आपको दोनों ही स्मार्टफोन में मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ एडिशनल चीज़ें जो मेरे ख्याल से सैमसंग गैलेक्सी M30s को बेहतर यहाँ पर बना देता है। सैमसंग गैलेक्सी M30s की प्राइसिंग भी यहाँ पर ऑलमोस्ट रिवील कर दी गई है, लगभग 17000 रुपीज़ सैमसंग गैलेक्सी M30s की यहाँ पर प्राइसिंग भी होने वाली है। तो ये स्मार्टफोन देखते हैं कि सितंबर के मिड में आएगा और इसमें आपको मिलेगा एक्जिनोस का 9610 का चिपसेट। और सैमसंग गैलेक्सी M20s में एक बुरी खबर है कि आपको सेम वही चिपसेट मिलेगा जो आपको सैमसंग गैलेक्सी M20 में मिलता है, जो कि मुझे कहीं से भी ठीक नहीं लगा। एटलीस्ट सैमसंग को चिपसेट के मामलों में यार चेंजेस करना चाहिए। अब हर एक फ़ोन में अगर उसका सक्सेसर यहाँ पर लाते हैं तो एटलीस्ट सक्सेसर के स्मार्टफोन में तो प्रोसेसर चेंज कीजिए, क्योंकि प्रोसेसर ही एक मेन पार्ट होता है फ़ोन का। अब लोग अगर आपके स्मार्टफोन में गेम ठीक से खेल ना पाए तो फिर फ़ोन लेने का क्या सेंस बनता है। तो सैमसंग गैलेक्सी M20s में सेम आपको यही वही चिपसेट मिलेगा जो चिपसेट आपको आप लोगों को मिलता है M20 में। तो इसलिए मैं सैमसंग गैलेक्सी M20s के लिए उतना एक्साइटेड नहीं हूँ। सैमसंग गैलेक्सी M30s मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा डील होगा, लोगों को पसंद भी आएगा, सभी कुछ इस फ़ोन का सही रहने वाला है और 3.5 mm आप लोगों को ऑडियो जैक भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से सैमसंग गैलेक्सी M30s एक बेहतर स्मार्टफोन होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।